30 सितंबर 2022 को आई कांतारा मूवी तो आपको याद ही होगी, जो सिर्फ 16 करोड़ रुपए में बनी थी और पूरा इंडिया इस फिल्म और ऋषभ शेट्टी का फैन हो चुका था। और लोगों का इतना प्यार मिलने के बाद ऋषभ शेट्टी ने दूसरी फिल्म लाने का भी प्लान बना लिया था, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद लोग ऋषभ शेट्टी से दूसरी फिल्म की मांग करने लगे थे। और आपको बता दें, अब लोगों को ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांतारा 2 भी जल्द ही आने वाली है। अब ये कब आएगी वो तो मैं इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा, साथ आपको थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा कि कांतारा के सेकंड पार्ट में आखिर होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले आपको कांतारा मूवी के बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, क्योंकि इस मूवी में VFX का यूज नहीं किया गया था, जिस वजह से सभी सीन्स को रियल तरीके से शूट किया गया है। और ये करने में काफी ज्यादा मेहनत भी लगी थी और काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, और यही कारण है कि लोगों को कांतारा मूवी के बिहाइंड द सीन्स देखने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, जिस वजह से हम आज आपके लिए कांतारा मूवी के बिहाइंड द सीन्स लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को शूट करते वक्त क्या सच में ऋषभ शेट्टी को कोई शक्तियां महसूस हुई थी। तो इसलिए अगर आप भी ऋषभ शेट्टी के फैन हैं या कांतारा जैसी मूवीज को पसंद करते हैं या बढ़ावा देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में अपना नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं इस सीन से, जिसमें ऋषभ शेट्टी यानी शिवा भैंसों की रेस लगाता है। आपको बता दें, ये सीन लगभग 1 मिनट का था और इसे शूट करने के लिए ऋषभ शेट्टी ने 60 से 70 बार प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उन्हें बिना VFX के इस सीन में जान डालनी थी, ताकि लोगों को ये सीन काफी ज्यादा पसंद आए, और ऐसा हुआ भी। अब आप इन छोटी छोटी क्लिप्स में देख सकते हैं कि कैसे ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम इस सीन को शूट करने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। आपको बता दें, इस मूवी को बनाने में ऋषभ शेट्टी के दोस्त ने भी उनकी काफी मदद की थी, जैसे कि इस मूवी में आपने भूत कोला डांस देखा होगा, जो काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आया था, और ये सीन मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक था। लेकिन कांतारा मूवी के इस सीन को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किया था। दरअसल बात ऐसी थी कि ऋषभ शेट्टी खुद इस रोल को प्ले कर रहे थे, जिस वजह से उनका पूरा मेकअप किया गया था और वो इस कैरेक्टर में खो चुके थे, जिस वजह से ऋषभ शेट्टी ने दूसरे डायरेक्टर की मदद ली, जिसका नाम राज शेट्टी था। आपको बता दें, ऋषभ शेट्टी और राज शेट्टी पहले भी एक साथ काम कर चुके थे। इसी के साथ बताया जाता है कि भूत कोला की इस प्रथा में जो भी व्यक्ति देवता का रूप धारण करता है उसे व्रत रखना पड़ता है और पानी में सिर्फ नारियल पानी पी सकता है। अब क्योंकि ऋषभ शेट्टी का इस प्रथा में विश्वास था, इसलिए जितने भी दिन उन्होंने शूटिंग के लिए देवता का रूप धारण किया था, उतने ही दिन उन्होंने भी व्रत रखा था और केवल नारियल पानी ही पिया था। अब इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ जुगाड़ भी लगाए गए थे, जैसे कि इस जंगल वाले सीन में फोग दिखाने के लिए कुछ लोगों ने इस तरह से धुएं को जंगल में फैलाया था, और जब इस तरह से काम नहीं चला तो फिर कुछ गाड़ियों में बैठकर लोगों ने इस तरह से धुएं को फैलाना शुरू किया, जब जाकर ये सीन शूट हो पाया था। कांतारा मूवी में जंगल का एक और सीन है, जिसमें ऋषभ शेट्टी यानी शिवा और उसके दोस्त शिकार करने जंगल में जाते हैं। आपको बता दें, इस सीन को शूट करने में काफी ज्यादा खतरा था, क्योंकि इस सीन के लिए कोई जंगल का सेट तैयार नहीं किया गया था, बल्कि हिम्मत करके ऋषभ शेट्टी और उनके दोस्त और उनकी पूरी टीम ने रात को घने जंगलों में जाकर इस सीन को रियल में शूट किया था। अब वैसे तो जंगल में और भी मूवीज के सीन शूट होते हैं, लेकिन कांतारा मूवी में खास बात ये थी कि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये सिक्योरिटी को भी अपने साथ रखे, जिस वजह से इन्होंने बिना सिक्योरिटी के हिम्मत करके ये सीन्स रिकॉर्ड किए थे। कांतारा मूवी में आपने कीचड़ वाला फाइट सीन तो देखा ही होगा। बताया जाता है कि सीन को शूट करने के लिए कीचड़ में गद्दों को भी रखा गया था, ताकि किसी को भी चोट ना आए। साथ ही कीचड़ में फाइट सीक्वेंस के लिए ऋषभ शेट्टी नहीं बल्कि कैमरा टीम भी 2-2 फीट गहरे कीचड़ में उतर गई थी, और कुछ इस तरह से इन्होंने इस सीन को रिकॉर्ड किया था, जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बताया जाता है कि भूत कोला के नाच के समय जो कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स ऋषभ शेट्टी को पहनाए गए थे, उनका वजन 60 किलो के आसपास था, जिसे पहनने के बाद चलने फिरने में भी मुश्किल आती थी, और ऋषभ शेट्टी को उसी में पूरा क्लाइमैक्स परफॉर्म करना था। इसी के दौरान बताया जाता है कि ऋषभ शेट्टी के दोनों कंधे डिसलोकेटेड भी हो गए थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना सीन पूरा किया था। ऋषभ शेट्टी ने बताया था कि उन्हें कांतारा मूवी शूट करने में प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन वो बताते हैं कि उन्हें अपने आसपास
बस कुछ ऐसी एनर्जी फील होती थी जो उन्हें ये सब करने की हिम्मत देती थी। और फिल्म के क्लाइमैक्स के समय भी ऋषभ देवता के कैरेक्टर में इतना खो चुके थे कि उन्हें सामान्य होने में भी समय लगता था। इस पर था भूतकोला को मानने वालों का कहना है कि जो भी व्यक्ति भूतकोला नृत्य करता है उस समय उसमें भगवान की आत्मा का वास होता है। ऋषभ शेट्टी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें भी शूटिंग के दौरान किसी शक्ति का आभास हुआ था। आपको बता दें ऋषभ शेट्टी रीति रिवाजों का भी बहुत ध्यान रखते थे, बल्कि फिल्म में भूत कोला की प्रथा और दूसरे रीति रिवाजों में कोई गलती ना हो जाए उसके लिए भी कोला से जुड़े और स्थानीय लोगों की मदद ली गई थी। अब कंतारा मूवी में जो आपने गांव देखा था उसे मूवी के लिए पूरा रियल में बनाया गया था, जिसे बनाने में लगभग 6 महीने लग गए थे। साथ ही इस मूवी के स्टार्ट होने से पहले मूवी के सभी कास्ट और टीम ने इस गांव में रहना शुरू कर दिया था। आपको बता दें यहां कोई फैसिलिटी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी वो यहां पर रहे थे। और शायद मूवी के हिट होने का कारण यही था कि ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने इस मूवी में सब कुछ रियलिस्टिक दिखाने के लिए इतनी मेहनत की थी। कंतारा फिल्म में दिखाए गए भूत कोला के सारे सीन्स नेचुरल मून लाइट यानी चांद की रोशनी में शूट किए गए थे। इसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग नहीं किया गया था। फिल्म के फाइट सिक्वेंस के बैकग्राउंड में जो आवाजें हैं उन्हें असली फील देने के लिए उन आवाजों को कर्नाटक के रियल ट्रिबल लोगों के बीच जाकर उनके साथ रिकॉर्ड किया गया था। फिल्म के बारिश वाले सिक्वेंस को गांव के कुएं के पानी का प्रयोग करके फिल्माया गया था। कंतारा मूवी में आपने फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर भी देखा होगा जिसे मुरली ने परफॉर्म किया था। आपको बता दें इन्होंने काफी बढ़िया एक्टिंग की थी और इस बिहाइंड द सीन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ऋषभ शेट्टी मुरली को समझाते हुए दिख रहे हैं कि इस सीन को कैसे परफॉर्म करना है। जब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली शिवा की बंदूक से गोली चलाता है तो बंदूक बैकफायर कर देती है और मुरली की खुद की आंख घायल हो जाती है। ऋषभ के अनुसार ये एक सच्ची घटना थी जो उनके एक दोस्त के साथ घटी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कंतारा मूवी में जो एक्टर थी उन्हें इंस्टाग्राम के थ्रू मूवी में लाया गया था। आपको बता दें इनका नाम सप्तमी गोड़ा है जिन्होंने कंतारा से पहले कोई फिल्म नहीं की थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कंतारा मूवी में एक गांव की लड़की का किरदार काफी अच्छी तरीके से निभाया था। मूवी में इनका नाम लीला था और ऋषभ शेट्टी के साथ आप लीला के कुछ बिहाइंड द सीन्स वीडियोस यहां पर देख सकते हैं। जब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की लड़ाई गांव वालों से हो जाती है और जब ये बात ऋषभ शेट्टी यानी शिवा को पता चलती है तो एक काफी तगड़ा फाइट सीन आता है और इस सीन के बिहाइंड द सीन्स वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मूवी में एक फाइट सीन रात का भी आता है जिसके बिहाइंड द सीन वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि कंतारा मूवी को कोई भी डायरेक्टर अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था और ना ही कोई एक्टर शिवा के कैरेक्टर को निभाना चाहता था क्योंकि ये मूवी एक तरीके से भगवान के ऊपर थी जिस वजह से डर था कि ये फिल्म बायकॉट ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस मूवी में जो सीन्स दिखाए गए थे उन्हें काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था जिन्हें देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, इसलिए बायकॉट होने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ। और इसका एक कारण ये भी था कि इन्होंने इस मूवी में कुछ गलत नहीं दिखाया था। अब अगर आपने ये यहाँ तक देख लिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कंतारा मूवी देखते वक्त आपको घूसपम्प्स आए थे या नहीं। तो चलो अब आपको बताते हैं कि कंतारा 2 कब रिलीज होने वाली है और इस मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा और इसके बाद आपको कंतारा मूवी के क्लाइमेक्स के भी कुछ और बचे हुए बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे तो वीडियो में बने रहे। बात करें कंतारा 2 की रिलीज की तो ये 2024 में आने वाली है और लोगों को लग रहा है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इस मूवी का सीक्वल नहीं प्रीक्वल आने वाला है। यानी कि ये समझो कि आपने अभी कंतारा 2 देखी है और अब कंतारा चैप्टर 1 आने वाली है। तो कंतारा चैप्टर 1 देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो जल्दी से कमेंट में बता दो। और अब हम चलते हैं कंतारा के क्लाइमेक्स के कुछ बिहाइंड द सीन्स पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मूवी में ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज की तरह कोई VFX नहीं था क्योंकि इस मूवी का बजट काफी कम था जिस वजह से इस क्लाइमेक्स वाले सीन को भी रियल में ही आग लगाकर शूट किया गया था। लेकिन यकीन मानो इसमें मेहनत तो लगी थी लेकिन ये रियलिस्टिक
होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। और यही नहीं, इस मूवी में सब कुछ रियलिस्टिक था और इस छोटी सी मूवी को इतनी बड़ी मूवी बनाने का ये भी बहुत बड़ा कारण है। अब फिल्म में दिखाए गए लैंडलॉर्ड का घर, जहाँ पर फिल्म का काफी हिस्सा शूट किया गया था, वास्तव में कर्नाटक के एक उडुपी जेल में रिसोर्ट है, जहाँ पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए होटल रेंट पर लेते हैं। वैसे तो कंतारा फिल्म केवल कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी और इसे पैन इंडिया रिलीज करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही ग्रैंड ओपनिंग मिली और पहले दिन से ही सारे शो हाउसफुल हो गए। सिर्फ कर्नाटक में ही इस फिल्म को पहले हफ्ते में लगभग 16 लाख लोगों ने देखा था और लगभग 96 डेज तक चली इस फिल्म की लागत 16 करोड़ आई थी, जबकि फिल्म ने रिलीज के पहले महीने में यानी केवल 30 दिनों में 188 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। अब कंतारा जैसी और भी बेस्ट मूवीज के बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं, जैसे कि पुष्पा, धूम 3, क्रिश 3, रोबोट 2.0 या फिर और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज के बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए हमारे चैनल स्पेशल ज्ञान को चेक करें।